केजरीवाल जी को एनडीए के एक एमपी के बयान पर गिरफ्तार किया है। फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना चाहता था, उसके लिए दिल्ली के सीएम से जमीन के बारे में बात करने गया था। नमस्कार, पंजाब केसरी डॉट कॉम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सतेंद्र शर्मा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। सुनीता केजरीवाल ने शनिवार को एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में सुनीता केजरीवाल दावा कर रही हैं कि आंध्र प्रदेश के एक सांसद के बेटे को ईडी ने प्रताड़ित किया, इसलिए उन्होंने अपने बेटे के बचाव के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झूठा बयान दिया है। सुनीता केजरीवाल ने 2 मिनट 18 सेकंड के वीडियो में ईडी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सुनिए सुनीता केजरीवाल ने क्या खुलासा किया है। नमस्कार, क्या आपको पता है कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया है? केजरीवाल जी को एनडीए के एक एमपी के बयान पर गिरफ्तार किया है। उनका नाम है मगुंटा श्रीनिवासलु रेड्डी, यानी एमएसआर। एमएसआर आंध्र प्रदेश से एनडीए के एक सांसद हैं। एमएसआर ने ऐसा क्या बयान दिया जिससे आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया? 17 सितंबर 2022 को एमएसआर के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी केजरीवाल जी से मिले हैं। उन्होंने कहा, हां, मैं 16 मार्च 2021 को केजरीवाल जी से दिल्ली सचिवालय में उनके दफ्तर में मिला था। मैं दिल्ली में एक फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना चाहता था, उसके लिए दिल्ली के सीएम से जमीन के बारे में बात करने गया था। केजरीवाल जी ने कहा, लैंड एलजी के पास है, एप्लीकेशन दे दो, हम देखते हैं, और कहकर चले गए। ईडी को एमएसआर का जवाब पसंद ही नहीं आया। ईडी ने कुछ दिन बाद एमएसआर के बेटे राघव मगुंटा को गिरफ्तार कर लिया। फिर से एमएसआर के और बयान लिए गए, मगर वो अपना पहले वाला बयान ही दोहराते रहे क्योंकि वही सच था, और उनके बेटे राघव रेड्डी की बेल खारिज होती रही। इस दौरान सदमे से राघव की पत्नी यानी एमएसआर की पुत्र वधु ने आत्महत्या करने की कोशिश की और उनकी बूढ़ी मां बहुत बीमार हो गई। इन सब को देखते हुए बेटे के लिए बाप भी टूट गया। 17 जुलाई 2023 को पिता एमएसआर ने ईडी में अपना बयान बदल दिया। उन्होंने अब कहा, 16 मार्च 2021 को मैं केजरीवाल जी से मिलने गया था। मुश्किल से 4-5 मिनट मुलाकात हुई, वहीं 10-12 लोग बैठे थे। मेरे कमरे में घुसते ही केजरीवाल जी ने मुझसे कहा कि दिल्ली में आप शराब का काम शुरू करो, बदले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दे दीजिए। केजरीवाल जी से ये मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी। इस बयान के बाद अगले ही दिन एमएसआर के बेटे राघव रेड्डी को ईडी ने बेल दिलवा दी। जाहिर है कि एमएसआर का यह बयान झूठा है। वे खुद कह रहे हैं कि यह उनकी केजरीवाल जी से पहली और आखिरी मुलाकात थी। 10-12 लोग वहां बैठे थे। अगर किसी को किसी से पैसे मांगने भी थे तो वह क्या कोई किसी अजनबी से पहली मुलाकात में ही 10-12 लोगों के सामने इस तरह पैसे मांग लेगा? जाहिर है कि एमएसआर के बेटे और परिवार को 5 महीने बुरी तरह प्रताड़ित किया गया, इसीलिए एमएसआर ने अपने बेटे को बचाने के लिए झूठा बयान दिया। और इस बयान को देने के बाद 2 दिन में ही एमएसआर के बेटे को बेल मिल जाती है। इन सब बयानों से एक बात तो साफ हो गई कि अपने बेटे को जेल से निकलवाने के लिए एमएसआर ने झूठा बयान दिया। कोर्ट ने भी केजरीवाल जी को बेल देते हुए यही माना कि ईडी ने बेल का लॉलीपॉप देकर बयान लिया बिना किसी सबूत के। आपके बेटे केजरीवाल जी को एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। वो एक सामान्य पढ़े लिखे देशभक्त और कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। यदि आज आप उनके साथ खड़े नहीं हुए तो इस देश में पढ़े लिखे ईमानदार लोग कभी राजनीति में नहीं आएंगे। क्या मोदी जी केजरीवाल जी के साथ ठीक कर रहे हैं? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश को पता चल सके कि मोदी जी कैसे ईडी सीबीआई के जरिए एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आपके केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं।